तो दोस्तों अब हम बात करते हैं माइनोरू कनेहिसा के करियर के बारे में। इनके करियर में इन्होंने कौन कौन सी शानदार डिग्रियां ली हैं, उन सारी डिग्रीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो 1970 में फिजिक्स के अंदर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से। उसके बाद इन्होंने डॉक्टरेट की थी 1976 में कंप्लीट, किसमें? डॉक्टरेट इन साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से। इस दौरान जब ये डॉक्टरेट कर रहे थे 1975 से लेकर 1976 तक, ये रिसर्च फेलो भी रहे हैं JSPS में। अब ये JSPS क्या है? JSPS is actually a Japan Society for Promotion of Sciences। तो इसकी फुल फॉर्म मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, Japan Society for Promotion of Sciences। इसको establish किया गया था 1932 में Japanese government के द्वारा, और actual में देखा जाए तो ये एक funding agency भी है, clear? और इसका जो लोकेशन है वो है, ये एक्चुअल में टोक्यो में है प्रेजेंट इस टाइम पे। टोक्यो इज़ अ कैपिटल ऑफ जापान, तो इसमें कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। और इनके जो करंट प्रेसिडेंट हैं अभी, इनका नाम है सतोमी सुसुमू, क्लियर? 1976 से लेकर 1979 ये पोस्ट डॉक्टरेट फेलो रहे हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी USA में। दोस्तों आपको बताता चलो, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का एक बड़ा योगदान है कंप्यूटेशनल टूल्स को बनाने में। आप जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हायर टूल्स की तरफ बढ़ेंगे, जनरली कंप्यूटेशनल टूल्स ही होंगे वो, तो कुछ टूल्स आपको ऐसे दिखेंगे जो कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए हैं, क्लियर? 1982 से लेकर 1986 तक विजिटिंग साइंटिस्ट रहे हैं ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट NIH USA। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है ये एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि ऑब्वियसली कैंसर से ही डील करते हैं। NCI नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बिथास्डा मैरीलैंड में सिचुएटेड है, और NCI जो है वो एक्चुअल में फंडिंग एजेंसी भी है जो कि RCSB PDB को फंड करती है, गिव फंड्स टू RCSB PDB। RCSB रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रोटीन डेटा बैंक, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाबेस है 3D मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स के लिए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट डेटाबेस है जो कि हम स्ट्रक्चर डेटाबेस में पढ़ेंगे प्रोटीन के, तो इसको भी फंड करता है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। और NIH हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर्सपेक्टिव से, वो ये है दोस्तों कि जो NCBI है ना, एक्चुअल में ये NCBI का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको कोशिश करूँगा जब जब NIH का नाम आएगा सामने तो आपको हमेशा बताऊँगा, क्योंकि NCBI एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाबेस है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। NCBI को US गवर्नमेंट फंड करती है, फंडेड बाय US गवर्नमेंट। अब हमें ये चीज़ समझनी है, NCBI जो है वो NLM का पार्ट है, तो पार्ट ऑफ NLM। NLM क्या है हमारे? ये है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। और जो NLM है ये NIH की ब्रांच है, तो NLM क्या है? NIH की ब्रांच है, तो ब्रांच ऑफ NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यही NIH है जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 1985 में USA से जापान आ गए थे माइनोरू कनेहिसा। 1985 से 1987 तक इन्हें एसोसिएट प्रोफेसर का दर्जा दिया गया था ICR में, क्योटो यूनिवर्सिटी में। ICR क्या है हमारी? ये इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल रिसर्च जो कि कहाँ पे है? ऑब्वियसली क्योटो यूनिवर्सिटी में है।
दोस्तों क्योटो और टोक्यो वर्ड में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों क्योटो जो है वो है एक ट्रेडिशनल सिटी जापान की, ट्रेडिशनल सिटी ऑफ जापान। और वही बात करें टोक्यो की तो टोक्यो एक कैपिटल है जापान की। और बात करें दोनों के बीच में जो दूरी है डिस्टेंस की वो करीबन करीबन 460 किलोमीटर के आसपास है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया टोक्यो मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में मॉडर्न, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कैपिटल है जापान की, कैपिटल ऑफ जापान। तो ये थी थोड़ी बातें क्योटो और टोक्यो के बारे में एज अ जनरल इन्फॉर्मेशन। अब 1987 से लेकर 2012 तक इनको प्रोफेसर का दर्जा मिल गया था ICR क्योटो यूनिवर्सिटी में। पहले एसोसिएट प्रोफेसर थे, अब क्या बन गए थे ये एज अ पक्के प्रोफेसर। क्लियर। अब बात आती है 1991 की। 1991 भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है माइनोरु कानेहिसा की लाइफ में। ऐसा इसलिए क्योंकि जैपनीज ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था। और जब जैपनीज ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो माइनोरु कानेहिसा ने बहुत मशक्कत की थी, इन्होंने बहुत एफर्ट डाले थे कि किसी तरीके से इनको सुपर कंप्यूटर एक तरीके से मिल जाए कि ये अपनी लैब बना सकें और उसमें हैवी कंप्यूटेशन कर सकें, एज अ साइंटिफिक डेटा को प्रोड्यूस कर सकें। तो 1991 में जैपनीज ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। अब जब इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया तो हमें इस तरीके से समझना है कि जब इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया तो स्टार्ट करने के लिए एक सेंटर को इस्टेब्लिश करना पड़ा जिसका नाम था HGC। HGC मतलब ह्यूमन जीनोम सेंटर, ह्यूमन जीनोम सेंटर। इसको क्या करा गया, इस्टेब्लिश किया गया। अब ये एक्चुअल में कहाँ था, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के अंदर भी एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करके एक डिपार्टमेंट है, उसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो भी लिख देता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्लियर। अब जब इसको इस्टेब्लिश किया गया और जब काम चालू हुआ तो आपको इस तरीके से समझना है कि ह्यूमन जीनोम सेंटर है जो वो इस्टेब्लिश किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में। इसके बाद काम चालू हुआ, जीनोम डेटा प्रोड्यूस हुआ, तो जाहिर सी बात है जीनोम डेटा को स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए यहाँ पे इसे बोला गया, ये पहली ऐसी लेबोरेटरी थी, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ जीनोम डेटाबेस। अब माइनोरु कानेहिसा का इंटरेस्ट देखते हुए ये जो लेबोरेटरी थी जीनोम डेटाबेस की, माइनोरु कानेहिसा को चीफ बना दिया गया इस लेबोरेटरी का। तो माइनोरु कानेहिसा बिकेम चीफ ऑफ दिस लेबोरेटरी। एक बार दोबारा समझते हैं इस चीज़ को। 1991 में जब ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम जैपनीज में स्टार्ट हुआ तो उसके लिए एक ह्यूमन जीनोम सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं आप इसे, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ह्यूमन जीनोम सेंटर को इस्टेब्लिश कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है जब काम चालू हुआ तो जीनोम डेटा प्रोड्यूस हुआ, जीनोम डेटा को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए एक लेबोरेटरी को बनाया गया। और इस लेबोरेटरी के अंदर जीनोम डेटा स्टोर था, मतलब ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर में ही स्टोर होगा, तो जीनोम डेटाबेस के नाम से भी इस लेबोरेटरी को जाना जाता है। तो फर्स्ट लेबोरेटरी थी एक जीनोम डेटाबेस की। और माइनोरु कानेहिसा का इंटरेस्ट देखते हुए इन सब कामों में और उनके कामों को भी देखते हुए इनको चीफ बना दिया गया इस लेबोरेटरी का। आई बात समझ में। अब 1991 से लेकर 1995 तक और 2002 से लेकर 2012 तक इनको प्रोफेसर भी बना दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में है। क्लियर। 2012 में अप्रैल के महीने में इनको प्रोजेक्ट प्रोफेसर बना दिया गया, कहाँ पे, ICR में, एट
आईसीआर, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल रिसर्च, जो कि कहाँ पे है, क्योटो यूनिवर्सिटी में। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये टेक्निकल डायरेक्टर भी बने थे। टेक्निकल डायरेक्टर किसके? पाथवे सॉल्यूशंस। पाथवे सॉल्यूशन मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया था, लेकिन दोबारा बता दूं कि हम सब जानते हैं जो कैग है हमारा, क्योटो इंसाइक्लोपीडिया फॉर जीन्स एंड जीनोम्स, ये फ्रीली एक्सेसिबल है। क्लियर, कोई भी व्यक्ति इस डेटाबेस को फ्रीली एक्सेस कर सकता है। ये इतनी बार ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या कोई भी व्यक्ति हो जो कि एज अ रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहा है। यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति कैग डेटाबेस से कोई भी डेटा उठा रहा है और वो कमर्शियली यूज़ कर रहा है उस डेटा का, कमर्शियली का मतलब बड़े लेवल पे यूज़ कर रहा है, उससे प्रॉफिट ले रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को या उस प्राइवेट कंपनी को कैग के द्वारा एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो कैग के द्वारा लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उस लाइसेंस को लेने के बाद वो उस कैग के डेटा को यूज़ कर सकता है अपने रिसर्च पेपर्स में, जो कि वो पब्लिकली दिखाएंगे, जब पब्लिश करेंगे, साइट करेंगे, तो उन्हें यूज़ कर सकते हैं, और इससे जनरली दे विल मेक प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, कमर्शियल का मतलब ही क्या है, प्रॉफिट पे चलता है काम, अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो फ्रीली एक्सेसिबल किन के लिए हैं? अकेडमिक्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, इनके लिए फ्रीली एक्सेसिबल है, और भी कोई भी यूज़ कर सकता है, बट कंडीशन क्या है, अगर आप कमर्शियली यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप फ्रीली एक्सेसिबल कर सकते हो।